मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि आपका क्लास 11th एनसीईआरटी का है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं, और ये प्रॉब्लम नंबर आपका 9th है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो प्रॉब्लम में कहा गया कि इफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड। हमने 4 डिजिट नंबर लेना है, जैसे आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, लाइक जैसे 5, 7, 2, 3 ऐसे करके कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लेना है आपको, और ये हम लोग रैंडमली फॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स या फ्रॉम द डिजिट्स। किस डिजिट का यूज करके? 0, 1, 3, 5 एंड 7। केवल आपका यहाँ पे 5 ही डिजिट है जिसका यूज करना है, 0 का, 1 का, 3 का, 5 एंड 7 का। तो इनका यूज करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है जो कि 5000 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम का जो पीछे आंसर दे रखा है वो तभी आ पाता है जब 5000 में इंक्लूड किया जाए। तो कायदे से यहां पे लिखना चाहिए 5000 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, क्योंकि ग्रेटर देन 5000 का बेसिक मतलब तो ये होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5001, राइट। लेकिन प्रॉब्लम को जब वर्कआउट करा गया पूरा, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये तभी आंसर पीछे वाला आ रहा है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, जब आप 5000 को भी इंक्लूड करें, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो 5000 को हमने इंक्लूड कर लिया है, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें क्या यूज करनी है, कौन से डिजिट, 0, 1, 3, 5 एंड 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जितने नंबर हमने बनाए हैं कि भाई ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जो आपने बनाया है 4 डिजिट नंबर, राइट। दो केस के लिए, पहला कहा गया कि भाई कि द डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट रिपीटेड हैं, लाइक जैसे आपने 5 को 4 बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, कोई भी डिजिट आप रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा जो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सेकेंड केस में कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, राइट। तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली 4 डिजिट नंबर बनाना विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 एंड 7। और हमें किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो इस इवेंट की कि जो भी नंबर्स हमने डिजिट बनाए, 4 डिजिट नंबर जो हमने बनाए, उसमें से कैस जो डिजिट 5 से डिविजिबल है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट है ये कि डिजिट्स जो बनाया गया वो 5 से डिविजिबल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने करा उसका हम लोग फंडामेंटल बात है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी यदि निकालनी होती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस जो एक्सपेरिमेंट करा है हमने। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है कि भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द गिवन जो डिजिट आपको दे रखा है, उसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाते हैं, और उसमें ये देख लेते हैं कि भाई कि कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे उस सैंपल स्पेस में, राइट। तो अब बात ये कि 4 डिजिट नंबर है, तो पहले 4 जो है आपका, जैसे ये है हमने ऐसे कर रखा है, पहले मैं बना रखा हूँ, तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर में से जो डिजिट 5 से बड़ा होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, तो 5000 से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो मैं बना ही रखा हूँ मैं समझा देता हूँ आपको, इस जगह पे मैंने 5 प्लेस कर दिया पहले केस में। तो यदि मैं इस जगह पे प्लेस 5 किया हूं यहाँ पे, तो यहां ये बताइए कि यहां पे मैं कितने तरीके से प्लेस कर सकता हूं, चूंकि रिपीटेशन है तो 0, 1, 3, 5 एंड 7 टोटल 5 डिजिट हैं, तो मैं यहाँ पे 5 तरीके से प्लेस कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द परम्यूटेशन अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें मैं अब 5 भी प्लेस कर सकता हूं, यहां पर 5, यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहाँ 5, यहाँ पे आप 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसे करके बना सकते हैं। अब पहले प्लेस में मैं 5 ही क्यों रखा हूं, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 वाले डिजिट की बात करनी है, इसलिए इस प्लेस पे मैंने 5 रखा हुआ है, राइट। तो इस जगह पे मैंने इसलिए 5 रखा हुआ है। अब इस जगह पे मैं कितने तरीके से ये जो डिजिट्स हैं उसको प्लेस कर सकते हैं, 5 तरीके से, देयर आर 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पे मैं 5 तरीके से प्लेस कर सकता हूं, यहां पे भी 5 तरीके से प्लेस कर सकता हूं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द 5, मतलब ग्रेटर देन 5000 वाला जो होगा एक केस, उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स बनेंगे वो 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 125,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जो आपका हमने बेसिक थ्योरम परम्यूटेशन का जो आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है कि मैं इस जगह पे पांच तरीके से, इस जगह पे भी पांच तरीके से, इस जगह पे पांच तरीके से ऐसे ही करा जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो बनेंगे 125। इन द सिमिलर वे अब मैं इस जगह पे 7 रख देता हूं, क्यों? क्योंकि हमें 5000 से बड़ा वाला देखना है या इक्वल टू का 5000 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000, तो ऑब्वियस सी बात है इस जगह पे मैं 7 रख करके भी कर सकता हूं। अब मैं इस जगह पे 7 रख दिया तो 7000 एक डिजिट बनेगा, फिर 7513 बनेगा, ऐसे करके कई सारे बनेंगे। तो फिर से वही बात है कि रिपीटेशन चूंकि अलाउड है तो यहाँ पे पांच तरीका, यहाँ भी 5 हुई, यहाँ पे 5 हुई, इसका तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 जो चार डिजिट नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 कितने बनेंगे टोटल बताइए 125। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 के जो डिजिट्स बनेंगे बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट्स वो हो गए 250, 125 प्लस 125 यूजिंग द एडिशन थ्योरम, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सिंपली 250, राइट, ये वाली बात होगी। अब हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट ई का निकाल लेते हैं कि भाई कि इवेंट ई जो है जो कि क्या है कि कौन कौन से ऐसे डिजिट होंगे जो 5 से डिविजल होंगे वो टोटल आउटकम्स निकल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकाली जा सकती है। अब बताइए यहाँ पे कि 5 से डिविजल होना चाहिए तो कोई भी डिजिट 5 से डिविजल है या नहीं है तो डेफिनेटली जो होना चाहिए लास्ट प्लेस पे, दैट मीन्स लास्ट प्लेस का मतलब मैं यहाँ पे कहूँ कि इसको इस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो जाए, यही तो हो सकता है। तभी तो जो भी जैसे आपका 05 से डिविजिबल है या 55 से डिविजिबल है, 55 से डिविजिबल है, 65 से डिविजिबल है, 65 से डिविजिबल है, तो मैं दो डिजिट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से तीन में भी ले सकते हैं 110, 115, 120, 125, इस तरह से चार का भी कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे डेफिनेटली जीरो होना चाहिए यदि यहाँ पे उसे 5 से डिविजिबल होना है तो। इन द सिमिलर वे यहाँ पे 5 होना चाहिए तो केसेस बन सकते हैं कि भाई कि एक बार मैं यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ, अब यहाँ पे जीरो होगा इस प्लेस पे, बट एंड ऑब्वियस है तभी तो जो चार डिजिट नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा इस केस में, और साथ में इस प्लेस पे डेफिनेटली 5 होना चाहिए क्योंकि हमें वही सारे डिजिट देखना है जो 5000 या 5000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब दो ही प्लेस हो गए जहां पे मेरे को अब ये 5 जो है प्लेस करने हैं, तो मैं इस जगह पे कितने तरीके से प्लेस कर सकता हूँ 5 वे से, इस जगह पे भी कितने तरीके से 5 वे से। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग जो चार डिजिट नंबर है जिसमें स्टार्टिंग डिजिट 5 का और एंड डिजिट 0 का हो तो ऐसे कितने टोटल डिजिट बन जाएंगे 5 × 5 = 25, क्योंकि 5 तरीके से मैं इस जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, इस जगह पे 5 तरीके से प्लेस कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह के डिजिट जिसका स्टार्टिंग 5 हो और एंड 0 से करे वो 25 हो गए। अब आगे देखते हैं अगला केस। अगला केस ये कि यहाँ पे 5 हो सकता है तभी तो डिजिट 5 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे मैंने 5 रखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5 × 5 = 25 तरीके, ऐसे में 25 डिजिट ऐसे हो जाएंगे इस केस में भी जो 5 से डिविजिबल है। अब अगला केस और, क्योंकि चार केस यहां पे बनेगा, अब 7 से स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट 7, चार डिजिट नंबर जो कि स्टार्टिंग 7 से करे तो यहां पे 7 रखा, यहां 0 रखा, और इस जगह पे 5 तरीके से, इस जगह पे 5 तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे डिजिट जिसका चार डिजिट नंबर जिसका स्टार्टिंग डिजिट 7 हो और लास्ट वाला डिजिट 0 हो तो उस केस में ऐसे 25 डिजिट्स और बन जाएंगे। इन द सिमिलर वे यहां पे 7 और यहां पे 5 तभी तो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो ऐसे डिजिट भी कितने बनेंगे 25, 5 × 5 बनेंगे। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो 5 से डिविजिबल है इस एक्सपेरिमेंट में जो करा गया वो टोटल 100 है, 25 + 25 + 25 + 25 टोटल 100 हो गए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट विल बी 100, और इवेंट हमारा क्या है ऐसे चार डिजिट नंबर जो इनसे बनाया जाए और जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो और वो 5 से डिविजिबल हो, तो ऐसे 100 टोटल डिजिट्स हो गए। तो 100 हो गए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस 250 है, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 100/250 विच विल कम आउट सिंपली 2/5, जो कि आप कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे पहला पार्ट कराया। दूसरे पार्ट के लिए कह रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अब उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं कि जब रिपीटेशन नहीं होएगा तो उस केस में क्या होएगा, राइट।
तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारे पास ये 0, 1, 3, 5 और 7 ऐसे करके हमारे पास 5 डिफरेंट डिजिट्स हैं, इसको लेकर के हमें 5000 या 5000 से ग्रेटर 4 डिजिट नंबर बनाना था, राइट। पहले केस में रिपीटेशन अलाउड था, लेकिन दूसरे केस में रिपीटेशन अब अलाउड नहीं है डिजिट्स का। और फिर जितने डिजिट्स जितने नंबर्स 4 डिजिट वाले बनेंगे, उनमें से ये देखना है कि कौन कौन से डिजिट जो है पास्ट डिविजिबल है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। स्पेशली बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो यही तो बात है। तो प्रोसीजर वही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह वही रहने हैं प्रोबेबिलिटी के। बस हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो ये है कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं करनी है। तो देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे कि रिपीटेशन यदि अलाउ नहीं होगा तो उस केस में तो इस एक्सपेरिमेंट का जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा सैंपल स्पेस में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पे कि 5000 से ज्यादा या उसके जस्ट इक्वल 5000 और ग्रेटर देन 5000 की जब बात करें और 4 डिजिट नंबर की, तो इस प्लेस पे मैंने 5 रख दिया, राइट। अब इस प्लेस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इस प्लेस के लिए आपके पास 0, 1, 3 और 7 चार तरीके से रख सकते हैं इस प्लेस पे, इस प्लेस पे 3 तरीके से, और इस प्लेस पे 2 तरीके से रख सकते हैं। तो रिपीटेशन यदि अलाउड नहीं है तो उस केस में स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइव 4 डिजिट वाला जो नंबर बनेगा बाय टेकिंग दीज डिजिट्स कितने होंगे, 4 × 3 × 2, इतने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे। तो 4 × 3 × 2 दैट मींस 24 इतने बनेंगे। इन द सिमिलर वे अब इस प्लेस पे आप 7 रख दीजिए, क्योंकि हमें 5000 से बड़े वाले डिजिट के ऊपर बात करनी है, जिसमें कि ऐसे नंबर, मतलब हमें बात करनी है ऐसे नंबर की जो 5000 से ग्रेटर और इक्वल हो और 4 डिजिट का नंबर हो। तो अब इस जगह पे मैंने 7 रख दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं इस जगह पे, 4 तरीके से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो फिर से 4 × 3 × 2 दैट मीन्स स्टार्टिंग विद द 7 4 डिजिट नंबर बाय टेकिंग दीज डिजिट्स कितने होंगे 24, 4 × 3 × 2, इसका मतलब हो गया कि टोटल 48 ऐसे नंबर बनेंगे 4 डिजिट वाले बाय टेकिंग दीज 5 डिजिट्स विच विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनेगा वो 48 हो गया, राइट। तो नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विल बी सिंपली 48, राइट। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे इन द इवेंट ई, और इवेंट ई क्या है कि भाई कि 4 डिजिट का नंबर जो इनको लेके हम लोग बना रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, वो मास डिविजिबल हो लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो फिर वही बेसिक अप्रोच है कि बट एंड ऑब्वियस है कि यहाँ पे आप 0 रखेंगे, क्योंकि पास से डिविजिबल डिजिट वो होंगे जो एंड 0 से करें या फिर 5 से करें। तो इस जगह पे 0 रखा है हमने, और इस जगह पे 5 रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें 5000 से ग्रेटर वाली बात करनी है। तो अब यहां पे कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट तो हमने रख ही दिया है, तो अब हमारे पास तो 3 ही बचे रह गए, तो यहाँ पे 3 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। तो 3 × 2 दैट वुड बी द 6, तो स्टार्टिंग विद द 5 एंड एंड विद 0 4 डिजिट का नंबर बाय टेकिंग दीज डिजिट्स जिसमें कि रिपीटेशन नहीं हो, तो 6 ऐसे पॉसिबल नंबर बनेंगे 4 डिजिट वाले। अब देखिए, अब यहां पे फिर से 0 रखा, बट एंड ऑब्वियस है, बट यहां पे हमने 7 नंबर रख दिया, क्यों रखा है आपको पता ही है कि हमें 5000 से ग्रेटर की बात करनी है, उसके इक्वल की बात करनी है। तो अब यहां पे फिर से हम लोग 6 तरीके से, मतलब 3 और ये 2 दैट मीन्स टोटल नंबर ऐसे 6 बनेंगे। अब अगला केस और एक बनेगा, यहां पे 5 रख दिया, 5 रख दिया, अब यहां पे 7 रख दिया, तो यहां पे फिर से ऐसे कितने डिजिट बनेंगे, ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 6 बनेंगे। तो इसका मतलब इस इवेंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स कहा जाए तो 18 होंगे, राइट। तो 18 हो गया। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग ये भी कर सकते हैं यहां पे 5, ये वाला 5 जैसे पिछले वाले केस में था, लेकिन वहां रिपीटेशन अलाउड था ऐसे, इसलिए उस केस को कंसिडर करा गया था। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस जगह का 5 और इस जगह का 5 वाले केस को हम लोग कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट विल बी सिंपली 18, 6 + 6 + 6 18 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस 48, इसका मतलब इस इवेंट का
जो प्रोबेबिलिटी होगा जिसमें कि इन डिजिट्स को लेकर के हम लोग चार नंबर वाले डिजिट बनाएं और जो कि 5 से डिविजिबल हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 हो, ऐसे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपली 18/48। 18/48 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 3/8। तो इस तरीके से हमने आपके सामने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। प्रॉब्लम अच्छे लेवल का है, आपको इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन का इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छा खासा लगेगा बेसिक लेवल पे, और साथ में प्रोबेबिलिटी की बेसिक बात लगेगी, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बड़े आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी, और साथ में आपने अटेम्प्ट भी लिया होगा। यदि अटेम्प्ट लेके आपने सक्सेसफुल इस प्रॉब्लम को कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं भी कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसमें ना करने अटेम्प्ट तो लिया ही होगा आपने, और हार्ड अटेम्प्ट लेने के बाद यदि नहीं कर पाए तब भी उससे आप सीख सकते हैं कि भाई किस वजह से आप इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाए, जो कि आपको सॉल्यूशन का डिस्कशन, जो ये डिस्कशन हमने करा है आपके सामने, तो उससे पता चला होगा कि क्या ऐसा कुछ आपने नहीं सोच पाए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम को करेक्ट वे में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली लेक्चर को लाइक करना चाहिए वीडियो लेक्चर को, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से कर लीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए और साथ में उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे।